बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। मैं हूँ अस्मा मुस्तफ़ा ख़ान और आप देख रहे हैं आस्क अस्मा की ये एक पहली प्रॉपर एपिसोड। व्हाई एम आई कॉलिंग दिस अ प्रॉपर एपिसोड? क्योंकि पिछली एपिसोड में हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया था कि हम हर बुध और जुम्मे को क्या करने वाले हैं। आस्क अस्मा में आप पर्सनल और प्रोफेशनल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे, अगर आपको लगता है कि मैं इस काबिल हूँ कि उसका कुछ ना कुछ आपको जवाब दे दूँ, कहीं ना कहीं गिरा कुछ खोल दूँ। हमने आपसे कहा था ये मरहला चलेगा आगे सवाल सवाल में, आप मुझसे सवाल पूछेंगे, मैं आपसे, क्योंकि जब तक आपसे सवाल नहीं करूँगी आपकी कंडीशन समझ नहीं सकूँगी और बेहतर शायद मशवरा दे ना सकूँ। तो आज की एपिसोड में हमने एक ऐसा टॉपिक चुना है जिसके बारे में ना सिर्फ आस्क अस्मा की अनाउंसमेंट के बाद बल्कि उससे पहले भी मुझसे बहुत सारे लोग, चाहे इदारों के साथ हम काम कर रहे हों या पर्सनल जिंदगियों की बात करी हो, अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम इज तारीफ की कमी। हमें उतना सराहा क्यों नहीं जाता जितना कि हम वर्दी हैं। अगर आपने अपने घर में कोई ऐसा जुमला सुना हो कि भाई ये काम तो ये रोज़ ही संभालती है ना, अब जो काम इंसान रोज़ करता है उसकी तारीफ करने की क्या ज़रूरत है। या अगर जॉब पे आपने अपने बॉस से सुना हो कि भाई यू आर पेड फॉर दिस, इस बात के तो पैसे मिलते हैं, तो अब इसकी तारीफ करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आपने इनमें से कोई भी जुमला सुना है तो आप अकेले नहीं हैं या आप अकेली नहीं हैं, क्योंकि ये अमूमन देखने में आया है कि हमें लगता है अ लॉट ऑफ पीपल फील दैट दे आर टेकन फॉर ग्रांटेड। रिसर्च ये बताती है कि तारीफ की कमी रिश्तों में बहुत बार दूरी का बायस बनती है और कभी कभी ये दूरी किसी एक्सट्रीम पे भी जा सकती है। तो ये तमाम गुफ्तगू आज के शो में हम आपसे करेंगे। आई वॉन्ट टू नो वॉट इज़ इट दैट यू थिंक, क्या आपको लगता है कि ये सारी बातें दुरुस्त हैं कि नहीं, और तारीफ का जो क्या तारीफ सिर्फ कह के हो सकती है, तारीफ करने में किन किन चीज़ों का किरदार होता है, क्या माहौल कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें इतनी तारीफ हो कि आप बड़े इनकरेज हो, आपकी हिम्मत बढ़े, आपकी हौसला अफजाई हो। जैसे कि एक बहुत मशहूर होटल चेन है फोर सीजन्स होटल, और एक राइटर हैं साइमन सिनेक, तो वो अपना किस्सा सुनाते हैं कि लॉस एंजलिस में, एलए में, वो फोर सीजन्स होटल के एक कैफ़े में जाते हैं, वहाँ कॉफ़ी पी रहे होते हैं, और वहाँ पे एक जो बैरिस्टा होता है जो कॉफ़ी सर्व करने वाला होता है, वो कहते हैं कि मुझे इतना कोई वो खुश इंसान नज़र आता है कि मैंने इससे पहले इतना खुश बैरिस्टा नहीं देखा, कि आई कैप्ट ऑब्जर्विंग हिम, उसको देखते रहते हैं कि जिस कस्टमर से बात कर रहे हैं, जिस क्लाइंट से बात कर रहे हैं, उतनी ही खुशी के साथ कॉफ़ी सर्व कर रहा है, उतनी ही खुशी के साथ उनसे इंटरेक्ट कर रहा है। तो साइमन से रहा नहीं गया और उन्होंने उसको बुला के कहा कि यार ज़रा बात सुनो, Why are you so happy? What's so special about, you know, तुम कॉफ़ी ही सर्व कर रहे हो, लेकिन मैंने आज से पहले कभी भी किसी कॉफ़ी सर्व करने वाले को इतना खुश नहीं देखा, तो इसकी वजह क्या है। तो वो जो बैरिस्टा था वो मुस्कुराने लगा, उसने कहा मैं हफ्ते में 3 दिन यहाँ काम करता हूँ, और हफ्ते में 3 दिन बिल्कुल पड़ोस के एक और बड़े होटल में काम करता हूँ, अगर आप ये कॉफ़ी मुझसे वहाँ पर पी रहे होते तो आप मुझसे ये सवाल कभी भी ना करते। तो वो चौंक गए, उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि दोनों जगह के माहौल में शदीद फ़र्क है। यहाँ फोर सीजन्स होटल में हमारी, ना सिर्फ मेरे बल्कि फ्लोर पर जितने लोग हैं, जितनी टीम्स हैं, उनके मैनेजर्स घूम रहे होते हैं ये पूछने के लिए कि क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं, क्या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे यू नो यू नीड माई हेल्प, आर यू फॉलोइंग, कुछ काम है जो नहीं हो रहा, क्या मैं तुम्हारी वहाँ मदद कर सकता हूँ। उसने कहा हमारे मैनेजर्स हर वक्त इस खोज में होते हैं कि कहीं हम गिर ना जाएं, और अगर गिर जाएं तो वो हमें संभाल लें। इसके बरक्स जो साथ वाला होटल है वहाँ पे भी मैनेजर्स हर वक्त फ्लोर पर होते हैं, लेकिन उनकी पूरी नीयत होती है कि किसी तरह जैसे ही हम गिरें वो उस गलती को पकड़ लें और उसके ऊपर रिपोर्ट लिखी जाए, उसके ऊपर सज़ा मिले, उसके ऊपर कोई ना कोई मनफी बात हो। तो दोनों जगह पे मैं ही काम करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इतना खुश इसलिए होता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा माहौल जैसा है, जिस माहौल में मैं काम कर रहा हूँ वो माहौल मुझे मेरे गिरने का इंतज़ार नहीं कर रहा बल्कि मुझे आगे की तरफ धक्का दे रहा है। तो ये तारीफ जो है माहौल में भी नज़र आती है, जब हर कोई ऐसा हो कि इस माहौल में ढला हुआ हो, तो यू सी दिस इन द कल्चर ऑफ द प्लेस, एनवायरनमेंट में नज़र आती है। और जाहिर है जब हम तारीफ की बात करें तो उसमें अल्फाज का बहुत बड़ा किरदार है, वर्ड्स हैव अ बिग रोल टू प्ले। हमें लगता है कभी कभी, कहते हैं ना बातों में क्या रखा है, मुझे तो लगता है बातों में बहुत कुछ रखा है, इन्हीं बातों ने मेरी ज़िंदगी को बहुत में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाए। व्हाट वाज द ईयर 2002 इज़ व्हेन, मुझे लिटरली याद हैं कुछ बातें जो किसी ने मुझसे कही, और उन एक जुमले ने, उन दो जुमलों ने मेरी ज़िंदगी में इतनी
बेहतर तब्दीली लाए कि मुझे लगता है कि बातों में बहुत कुछ रखा है, लेकिन बातें कौन कर रहा है और सुनने का अंदाज़ क्या है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एक वो सोलोमन आइलैंड्स हैं जिधर मशहूर है ये बात, कहानी है वहाँ की। कहते हैं कि अगर वहाँ पे लोगों ने बड़े बड़े दरख्त को, ज़रा स्ट्रॉन्ग किस्म के जिनकी जड़ें बड़ी जिन्होंने मज़बूत जड़ें हो जिनकी, अगर किसी ने उनको लोगों वहाँ के लोगों ने किसी मकसद से उस दरख्त को गिराना हो तो इतने बड़े दरख्त को अगर तोड़ने लगें तो बड़ा टाइम लग जाए, तो वो उस पर कर्स मैजिक करते हैं। और कर्स मैजिक क्या है कि वो उस दरख्त के पास जाके रोज़ उसके बारे में बुरी बुरी बातें कहते हैं। दे जस्ट दे बिकम वेरी अनकाइंड टू द ट्री, जितना बुरा भला उस दरख्त को कह सकते हैं कहते हैं। और ये काम कंसिस्टेंटली करने से, बिला नागा करने से, एक दिन वो दरख्त खुद ही मुरझा के गिर जाता है। अब ये तो सोलोमन आइलैंड की कहानी है, लेकिन अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं कि भाई क्या इसमें कोई साइंस है, कोई मंतक है या नहीं, तो आई वांट टू गिव यू अ चैलेंज। आप तीन पौधे लें और उनको एक ही एनवायरनमेंट में तीन अलग अलग कमरों में रख दें, लेकिन जहां रोशनी भी उतनी आती हो, पानी भी उनको उतना ही मिले, बस फ़र्क ये हो कि एक कमरे में लोग ज़रा मुस्कुराती हुई बातें करें, अच्छी बातें करें, पॉजिटिव बातें करें, एक कमरे में लोग ज़रा नेगेटिव बातें कर रहे हों, बुराइयाँ कर रहे हों, गॉसिपिंग कर रहे हों, और एक कमरे में इनडिफरेंट हो, सानू की जो हो रहा है होने दें टाइप अप्रोच। विद इन 3 वीक्स आप देखेंगे कि वो कमरा जहाँ पे पौधा पड़ा हुआ था, जहाँ पे पॉजिटिव बातें होती थी, वो पौधे की ग्रोथ आउट ग्रो करेगी बाकी दोनों पौधों की ग्रोथ को। सो नेचर, लाइक आई ऑलवेज से, इतने मज़ेदार हमें असूल सीखने को मिलते हैं कुदरत से। ये सिर्फ यही नहीं, बल्कि इनफैक्ट देयर इज़ अ वेरी फेमस रिसर्चर, वाटर रिसर्चर हैं, पानी के ऊपर तहकीक करते हैं, जापानी साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर इमोटो, और वो बहुत साल पानी को पढ़ते रहे और बहुत सारी जहाँ उन्होंने तहकीकात हमारे सामने लेकर आए, उसमें से एक बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी। उन्होंने ये देखा कि पानी के ऊपर साउंड वेव्स का इम्पैक्ट होता है, यानी आवाज़ का पानी के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है, और ये हमारी बड़ी क्लासिकल ट्रेडिशंस में भी हमें नज़र आती है ना ये बात। तो उन्होंने इसको प्रूव किया और उन्होंने कहा कि जब आप कुछ अल्फाज बोलते हैं, तो एक उनकी रिसर्च ये बताती है कि जब आप पॉजिटिव बातें करते हैं और अगर आपके सामने पानी पड़ा और आप उसको शदीद किसी माइक्रोस्कोप से ऑब्ज़र्व करें, तो पानी के अंदर बहुत ही खूबसूरत किस्म के क्रिस्टल्स बनते हैं। ये तहकीक उन्होंने जब की तो वहाँ उस कमरे में कभी एडोल्फ हिटलर की बातें हुई और कभी मदर टेरेसा की बातें हुई। जैसे ही मदर टेरेसा की बातें होती थी तो वो माइक्रो जब उसको फोकस किया गया तो देखा गया खूबसूरत तरीन क्रिस्टल्स उस पानी में बने, और जब हिटलर की बातें या मनफी बातें होने लगी तो वो क्रिस्टल्स तहस नहस हो जाते थे। दैट्स द इम्पैक्ट ऑफ आर वर्ड्स, ये हमारे अल्फाज का इम्पैक्ट है दरख्त पे, पौधे पे, पानी पे, तो सोचे इंसान में क्या होगा। और जितने हमारे सुनने वाले ज़रा तहकीकी नज़र रखते हैं और हर चीज़ की मंतक समझना चाहते हैं, इंसानी जिस्म 70% पानी से बना हुआ है। तो अगर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि पानी के ऊपर पॉजिटिव बात करेंगे तो खुशी आएगी, अच्छे अच्छे वाटर क्रिस्टल्स बनेंगे, इमेजिन दिस इज़ हैपनिंग इन योर सिस्टम। अगर आप किसी इंसान से मस्बत बात करें, पॉजिटिव बात करें, तो उसके अंदर 70% बेहतरीन किस्म के क्रिस्टल्स बन रहे हैं, बेहतरीन किस्म की फॉर्मेशंस हो रही हैं, जो पानी में 70% बॉडी में 70% पानी है, जिसकी वजह से अल्फाज जब भी हमसे कहे जाते हैं मनफी या मस्बत, वो हमारे दिल पे असर करते हैं। कहते हैं ना, इसकी बात का बुरा मत मानो, लेकिन बड़ा मुश्किल है उसकी बात का बुरा ना मानना। ये सारी कॉन्वर्जेशन आज प्रोग्राम में आपके साथ होगी। वर्ड्स हैव एन रियली आई थिंक इंटेग्रल रोल टू प्ले इन रिलेशनशिप्स, और तारीफ में अगर जब ये लफ्ज़ ढल जाते हैं तो क्या ही कमाल हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं, किसी ने हमारे फेसबुक पे लिखा है कि मैं चाहता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट करूँ लेकिन मैं कर नहीं पाता। ये एक और स्ट्रगल है कि आप चाहते हैं कि आप करें और कर नहीं पाते। कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि इसकी अहमियत इतनी नहीं है, और कुछ ऐसे भी हैं कि तारीफ ना हो तो स्टार्ट ही नहीं होंगे, जब तक थपकी नहीं मिलेगी मैं काम नहीं करूँगा। आप किस कैटेगरी में हैं या आप हमें कॉल करके बताएं, क्योंकि अल्फाज रिश्ते बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। अल्फाज हमसे बहुत मुझे लगता है तारीफ वो काम करा सकती है जो तनकीद कभी नहीं करा सकती। बहुत सारी कॉन्वर्जेशन होगी आपसे। यू कैन कॉल अस लाइव इन द शो, द नंबर टू कॉल इज़ 0800-144-55। कॉल करें या सोशल मीडिया पे खान अस्मा मुस्तफ़ा खान, या फिर खान अस्मा मुस्तफ़ा ऑन ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पे भी कमेंट कर सकते हैं, या चाय टोस्ट और होस्ट के फेसबुक पेज पे भी। ब्रेक से आने के बाद आपके कमेंट्स पढ़ूंगी और आपकी लाइव कॉल्स लूंगी, और आज मेरी एक बहुत खास मेहमान मेरे साथ हैं। शो आपने देखते रहना है, लॉट्स मोर टू कम। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आस्क अस्मा। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड वी विल सी यू राइट आफ्टर दिस। क्या सोच रहे हैं, मेरे बॉस ऐसे क्यों हैं?
ये बताएं कि आप कैसे बॉस हैं? मेरे पेरेंट्स मुझे समझते क्यों नहीं? ये बताएं, क्या आप अपने पेरेंट्स को समझते हैं? मेरे मियाँ दोस्तों में इतना खुश होते हैं, मगर घर आके अफसरदा क्यों हो जाते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। मेरे से जूनियर को प्रमोट कर दिया और मैं वही का वही, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी थी? गुस्से की बात तो है। दुनिया से इतने सवाल और अपने आप से एक भी नहीं, इसीलिए तो जवाब नहीं मिल रहे। आइए मिल के ढूंढते हैं मसलों की जड़। आप पूछेंगे मुझसे सवाल और मैं पूछूंगी आपसे, और देखिएगा सवाल सवाल में कैसे मिलता है जवाब। तो मुझसे सवाल पूछने के लिए हो जाए तैयार, ओनली ऑन आस्क अस्मा ऑन चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा, और आज आस्क अस्मा में मुझसे पूछा गया कि क्या करें भाई जब हमारी तारीफ नहीं होती। तारीफ हमें बहुत पसंद है और तारीफ नहीं होती, व्हाट डू वी डू? वी विल ट्राई कि इस प्रोग्राम में कुछ ना कुछ उनको भी टिप्स मिले जिन्हें तारीफ बहुत ज़्यादा पसंद है, और उनको भी मिले जिन बेचारों से होती ही नहीं है, बस बहुत मुश्किल है उनके लिए। हमारे साथ एक कॉलर है रज़ा, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, कहाँ से बात कर रहे हैं? ठीक ठाक, कराची से बात कर रहा हूँ, आपका शो देख रहा हूँ। बहुत जबरदस्त टॉपिक आपने आज किया है। क्या कहना चाहेंगे, आपसे तारीफ होती है रज़ा? यू गुड एट अप्रिशिएटिंग पीपल? मुझे लगता है मुझे तारीफ सुनना पसंद है, करना पसंद नहीं है, या होती नहीं है। तारीफ सुनना पसंद है मगर करना पसंद नहीं है, करना पसंद नहीं है या करना होती नहीं है? होती नहीं है, ये होती नहीं है। ओके, और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपके कॉलीग्स या घर वाले, कभी किसी ने शिकवा किया कि यार कर दिया करो तारीफ? बहुत सारे ऑफिस में ज्यादातर लोग जो है वो यार शिकवा करते हैं, यार तुम तारीफ नहीं करते। बट मैं उनसे यही कहता हूँ कि यार मैं तो ऐसा ही हूँ, मतलब जरूरी नहीं है कि हर बात है छोटे काम की तारीफ करनी जरूरी है। जो किया तुमने, इट्स योर ड्यूटी, जो तुमने किया वो तुम्हारा काम था, तुमने कर दिया। बट उनसे यही गिला रहता है कि यार आप तारीफ नहीं करते, आप छोटी छोटी बातें जो है वो अप्रिशिएट नहीं करते। राइट, और आपको लगता है कि रजा अगर लोग कह रहे हैं कि यार अप्रिशिएट कर दो, तो करने में इतना मसला क्या है, क्यों नहीं कर पाते? अगर कोई आपकी सोच बिल्कुल ठीक है, मैं भी कभी कभी ऐसी कहती हूँ कि हर छोटी बात की तारीफ करने की क्या जरूरत है, लेकिन अगर सामने वाला कह रहा है कि भाई अगर मेरी तारीफ करोगे तो मैं ज्यादा अच्छा काम करके दूंगा, तो कर दे उसकी तारीफ, नहीं होती तो बहुत ऑफ द फेस में है, मतलब कि यार बिना फेक लगता है किसी की तारीफ बार बार, या बहुत फेक लगता है। ओके, सो मैं आपसे ये नहीं कह रही आप बार बार सेम चीज की तारीफ करें, रोज आप अपने अशरफ कॉलीग को कहें अशरफ तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, अशरफ तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, अशरफ तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं। आई एम नॉट सेइंग डू द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। आप किसी एक इंसान की हर रोज, चलें एक टास्क देते हैं, हर रोज दफ्तर में किसी एक इंसान की किसी एक अमल पे, तो छोटी सी, स्टार्ट स्मॉल, टेक बेबी स्टेप्स, हर रोज दफ्तर में एक नए इंसान की किसी एक छोटे से अमल की आप तारीफ कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और हल बताती हूँ, तारीफ का आसान हल। ग्रैटिट्यूड कितना है आप में, थैंक यू कहते हैं लोगों को? बिल्कुल कहते हैं, शुक्रगुजारी एक पहला अमल है तारीफ तक जाने के लिए। अगर आप थैंक यू कहते हैं तो किसी काम के लिए कहते होंगे ना? बिल्कुल, मुझे एक जुमला पूरा करके बताएं कि आपने थैंक यू का अपने कॉलीग को कि थैंक यू आज आप किस चीज के लिए शुक्रिया कहेंगे? शुक्रिया किसी भी काम के लिए, इवन कि अगर कोई मतलब कोई उसका काम भी होता है और वो फंसा होता है, मेरा काम होता है और मैं फंसा होता हूँ और वो फेवर कर देता है, उसके लिए थैंक यू। ठीक है, सो थैंक यू तुमने मुझे इस मुश्किल से निकाला। या सो अगर आप ये जुमला पूरा कर देंगे ना रजा, तो ये भी तारीफ में ही काउंट होगा, क्योंकि जब शुक्र करते हैं तो उसके आगे तारीफ आ जाती है। नंबर वन, दैट्स वन टिप। सेकंड टिप, आपने कहा फेक नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि आपकी शख्सियत का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो चीज़ें जो हमारी शख्सियत का हिस्सा नहीं है और हम अपनाना चाहते हैं, उसमें एक असूल है, फेक इट टिल यू मेक इट। या सो फेक करें अगर आप वाकई उस चीज़ को अपनाना चाहते हैं, और फिर एक दिन वो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन सकती है। इन दोनों में से जो आपको सही लगता है ट्राई करें, एंड देन लेट अस नो इफ इट वर्क्स। थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग रजा। हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं, बट वी हैव टू टेक अनदर ब्रेक, एक ब्रेक पे जाते हैं और उसके बाद वापस जरूर आएं, क्योंकि मेरी बहुत खास दोस्त, बहुत खास मेहमान आज हमारे साथ हैं और उनसे हम बात करेंगे। टेक अ क्विक ब्रेक एंड वी विल सी यू आफ्टर दिस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा, और आज हम बात कर रहे हैं तारीफ की कमी।
कैसा लगता है आपको, आप हमें बता सकते हैं आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तारीफ हो जाती है या नहीं हो पाती? पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है आज हमारे सेट पे कोई अलग सी या नहीं, ज़रा दूर है इस वक्त मेरी एक बहुत अच्छी टेलीविज़न स्क्रीन की एक ऐसी अदाकारा जो कि जब मुझे लगता है कि वो बड़ी अनकन्वेंशनल है, आई ऑलवेज से दिस टू हर, हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है उरूसा सिद्दीकी ने, लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम उरूसा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मैं अलग आवाज़ों की बात इसलिए कही थी क्योंकि उरूसा आज अपने 8 महीने के बेटे हमजा को भी साथ लाई हैं जो कि हमारे सेट पर मौजूद है, तो हो सकता है बीच बीच में आपको आवाजें आए। दिल्ली की आवाज सुनाई दे। थैंक यू, दिस इज अ स्ट्रगल। सुबह सुबह बच्चे को साथ लेकर आना किसी शो पे अपेयर होना, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर डूइंग दैट। थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय हस्बैंड बिकॉज़ उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, और मैं तो आफ्टर हमजा आई थॉट कि नहीं पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, बट देन ही वाज द वन इज लाइक इफ यू वांट टू वर्क तो वी कैन यू नो वर्क थिंग्स अराउंड इट। ब्रिलियंट, फैंटास्टिक। मुझे ये बताएं उरूसा कि आप तारीफ करने की कंजूस हैं या फराख दिल हैं? तारीफ करने में मैं पीछे नहीं रहती, अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है कुछ होती है तो मैं बहुत अच्छे से तारीफ करती हूँ, इतना कि लोग कहते हैं कि अच्छा ये अच्छी लगी तो ले जाओ तुम घर, मतलब मतलब इस हद तक भी हो जाता है। तो लेकिन हाँ मैं तो खुली हाँ, और आसपास स्पेशली तारीफ करने में कोई पैसा नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगता। मसला ये है कि दिमाग सर पे ना चढ़ जाए तारीफ, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं करते कि यार बार बार तारीफ करें तो दिमाग पे चढ़ जाए। जब 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 मैंने काम शुरू किया तो आज भी, और मेरी ये बहुत बहुत दिल से मेरी ये दुआ होती है, और जितने मेरे घर वाले हैं या जितने मेरे रिश्तेदार हैं या एनीबॉडी हु नोज मी, दे नो कि मेरा दिमाग अभी तक उतना खराब नहीं हुआ, शायद हो भी गया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन जब तारीफ कोई करता है ना आपकी तो आप जरा सा होता है कुछ, लेकिन वो चीज आप उसको किस तरफ लेके जाते हैं, आप उसको तकब्बुर में लेके जाएंगे, आप उसमें मतलब कॉन्फिडेंस में, या आप कॉन्फिडेंस में लेके जाएंगे, या आप और हम्बल हो जाएंगे, आप क्या होंगे, दैट ऑल्सो डिपेंड। कुछ लोग कहते हैं ना कि जरा सी के तारीफ ही सर पे चढ़ गया या व्हाटएवर, तो तारीफ करे, झूठी तारीफ करने की नहीं है, वो जो फेक ही फेक अनलेस यू मेक इट, वो जो बड़ी मजे की जो लाइन है वो भी सही है, लेकिन उसमें देन जो रियलिटी है वी कैन नॉट फॉरगेट दैट, एब्सोल्युटली। तो जो सच है उसी वजह से ही हम तारीफ कर रहे हैं, कोई गलत झूठी तारीफ नहीं करें। और रूसा बड़ी खुली है तारीफ करने के मामले में, बट आई'ड लाइक टू नो इस कॉलर के बाद कि आपके इर्द गिर्द के लोग कैसे हैं, वो कंजूस हैं या वो भी फराख दिल है? हमारे पास नाजिया हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, जुमा मुबारक। थैंक यू नाजिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको और रूसा को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ी जबरदस्त कॉन्वर्सेशन हो रही है, ऐसे हेल्दी जो है टॉपिक्स उनको जरूर लेकर आना चाहिए। कोशिश जारी है। आप मुझे बताएं नाजिया, आप आपकी तारीफ होती है या उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए? बिल्कुल होती है, लेकिन मैं तारीफ भी करती हूँ और करनी भी चाहिए, एप्रिसिएशन जो है वो बहुत जरूरी है। कोई अच्छा काम कर रहे है, कोई अच्छी चीज है तो तारीफ जरूर करनी चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमारा वास्ता कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर पड़ता है, कभी फैमिली में होते हैं, कभी दोस्तों में होते हैं या वैसे ही, कि एक बहुत अच्छा काम हो रहा है या एक बहुत अच्छी चीज है उसकी तारीफ हो रही है, 10 बंदे हैं, 9 बंदे तो कर रहे हैं, लेकिन एक जो 10वां बंदा है ना वो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा निकाल देता है 19-20 का फर्क, कि तारीफ ना करनी पड़े या कुछ इसका नुक्स कुछ मैं निकाल दूं। अच्छा, ओके, तो उनको कैसे डील करें? मुझे लगता है उनका होना बड़ा जरूरी है नाजिया। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि मुझे मेरे दफ्तर में काफी दफा ये कहा जाता है कि यार ये आपको 9 चीजें जो ठीक थी, 10 ठीक नहीं थी, वो 10वीं भी जरूर नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि एक टीम जैसे होती है ना, और ऐसे खानदान में अलग अलग लोगों का, अलग अलग नज़रिए रखने वाले लोगों का होना बड़ा ज़रूरी है। उनकी नीयत पे मैं बड़ी इंटेंशन क्यों मानने वाली हूँ, कि उनकी नीयत पे डिपेंड करता है कि वो एक चीज़ जो ख़राब है वो नुक्स क्यों निकाल रहा है। वो नुक्स इसलिए निकाल रहा है ताकि वो चीज़ मज़ीद बेहतर हो सके, या वो नुक्स इसलिए निकाल रहा है ताकि वो आपकी तजलील कर सके। अगर नुक्स इसलिए निकाल रहा है और नियत, वाइब, एनर्जी, ये आप किसी की आराम से बता सकते हैं, ये फौरन आपको पता चल जाती है। अगर नुक्स इसलिए निकाल रहा है कि यार आप यू नो आपको लेट डाउन करें, आपकी टांगें खींचे, फिर तो अच्छी बात नहीं है। और उनको डील करने का तरीका क्या होगा? छड़ो परे, जो 9 तारीफ कर रहे हैं उन पे फोकस करें। आप भी एक उस पे क्यों फोकस कर रही हैं जो तारीफ नहीं कर रहा? लेकिन इसके बरक्स अगर वो आपके नुक्स इसलिए निकाल रहा है, जैसे मैं अपने काम के ऊपर शदीद क्रिटिकल हूँ, मुझे इस वक्त भी 10 चीज़ें हैं जो मैं कह रही हूँ है मैंने बोला सही नहीं, सेट में ये होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन नीयत क्या है कि चीज़ और बेहतर हो,
सो अगर ऐसा कोई बंदा है खानदान में कि वो नुक्स इसलिए निकालता है ताकि चीज़ें बेहतर हों, तो होल्ड ऑन टू दैट पर्सन, डोंट लेट दैट पर्सन गो. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर कॉलिंग नाजिया. व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, मेरा आपसे सवाल क्या था, आसपास के लोग कितने कैसे हैं, फराख दिल हैं या खुल के तारीफ होती, या जब इंडस्ट्री में आई रूसा यू वर अनकन्वेंशनल, लाइक आई ऑलवेज टेल यू, आप फिट नहीं करती थी बहुत सारी उस डेफिनेशन को जो आम एक्टर्स जब आते थे या नॉर्मली जो एक्टर्स आए उन्होंने फिट किया है. सो यू वर अनकन्वेंशनल, जब इंडस्ट्री में आई तारीफें हुई, एक्सेप्टेंस मिली या नहीं? तो आई वेरी प्राउडली से दिस, क्योंकि कोई एक चीज़ एक आपकी उसके साथ बैज में लग रहा था. आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल एक्टर्स दिस इन दिस एज ग्रुप जो इस बॉडी टाइप के साथ आई थी. बट इट वॉज नॉट जस्ट मी, जिसकी वजह से मैं भी अभी 10 साल मुझे इस इंडस्ट्री में हो गए माशाल्लाह. इट वॉज बिकॉज ऑफ दोज डायरेक्टर्स जिन्होंने मुझे कास्ट के प्रोड्यूसर्स जो ये बात समझे, राइटर्स जो समझे कि टैलेंट जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है और चलो कर लेती है काम, अच्छा कर लेती है. तो ये सारा इट वॉज एवरी वन जिसकी वजह से आई एम सिटिंग विद अस्मा मुस्तफा ऑन डॉन न्यूज़. अल्लाह, आई एम सिटिंग विद रूसा, प्लीज, आई लव आवर म्यूचुअल फैन क्लब एंड आई एंजॉय दैट विद मोस्ट ऑफ द पीपल. द रीजन आई एम हियर इज बिकॉज़ ऑफ यू ओनली, एंड इट्स I'm just starstruck, you know, that's smart. अच्छा मुझे ये बताएं रूसा, एक हमारे पास कॉलर है, मैं वो भी लूँगी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि खुद जो लोग तारीफ करते हो, जब इर्द गिर्द में उनकी तारीफ ना हो रही हो, या आपने कहा बहुत सारे डायरेक्टर्स जिन्होंने मुझ में टैलेंट देखा, बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने कहा नहीं चलेगी या नहीं देखा वो टैलेंट, हाउ डू यू मैनेज, उसको कैसे मैनेज करें? जो साकिब कहते हैं माहेज, वो जब शुरू में हमने काम शुरू किया तो कहते अच्छा यहाँ गेट टुगेदर हुई, लेट्स गो देयर, वहाँ पे फला पार्टी, लेट्स गो देयर. मैं बहुत ज़्यादा साकिब को कहती हूँ कि साकिब अगर नहीं जाएंगे तो हमें काम नहीं मिलेगा और किस तरह होगा और कैसे आगे सर्वाइव करेंगे, ब्ला 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 ब्ला. तो ही वुड जस्ट से वन लाइन, वुड जस्ट से कि रूसा तुम्हें जो काम मिला हुआ है ना उसको तुम अपना 100% दे दो. जब तुम्हारा काम सही हो जाएगा तो उसके बाद यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, यू डोंट हैव टू आस्क एनीबडी. Work is going to come and money is just a consequence that's going to follow. तो ये जो struggle है ना कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, just जो आप कर रहे हो आप वो अच्छे से करो. पर दिल नहीं टूटता तनकीद से? नहीं, तनकीद इसलिए नहीं टूटता कि मेरी बड़ी सख्त माँ है. मेरी माँ ने कभी तारीफ नहीं की. मेरी माँ ने शादी के बाद भी मेरे ससुर को बताती ये कहाँ कुछ करती है, किचन में जाती है 100 बर्तन गंदे कर देती है, ये घर ऐसे करती है. तो ससुर ने भी कहा मैं क्या बोलूँ, मतलब चलो फिर यही है, मतलब और अभी नेवर, हमें कभी पैम्पर नहीं किया, हमें बहुत ज़्यादा नहीं किया. बट यही मेरी अम्मी के साथ भी एंड विद माई हस्बैंड एंड बिकॉज यही लोग करीब है मेरे और मेरे दो भाई हैं बस, अब बाबा नहीं रहे. तो दिस इज़ माई फैमिली एंड आई, देर आर टाइम्स वेन आई रियली डू आस्क देम कि भाई ठीक है तारीफ नहीं करो बट आप एक्नॉलेज तो कर लो. आई वांट टू टॉक अबाउट दिस, ये एक्नॉलेजमेंट क्या होती है, तारीफ क्या होती है, ग्रेटफुलनेस क्या होती है, और ये चीज़ें जुड़ती कहाँ हैं आके. एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी कॉल भी लेंगे. सॉरी, ब्रेक के बाद डू कैच अस बैक. आप देख रहे हैं आस्क अस्मा और हम बात कर रहे हैं तारीफ की कमी. लॉट्स ऑफ मैसेजेस, कुछ लोगों ने बताया है कि भाई जो हमारे अंदर एक चीज़ जो कम होती है, बस वही जो कॉलर भी बात करी थी कि जो एक चीज़ कम होती है उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस होता है, और जो नहीं, जो बाकी चीज़ें सही हैं उस पर फोकस नहीं होता. एक कहानी मेरे जहन में आ रही है, मैं आपको जल्दी से सुनाती हूँ. एक दफ़ा का जिक्र है कि वो नहीं होता फनियारा कहते हैं ना, वाटर बेरर, तो एक पोल के दोनों एंड्स पे मटके लटका के उसमें पानी भर के और वो जाता था उस पानी को बेचता था. सो एक उसका मटका जो था वो बिल्कुल ठीक था और एक मटके में थोड़ी सी दरार थी, थोड़ा क्रैक था. तो एक मटके का पानी तो जाहिर है 100% डिलीवर हो जाता था, उसको पैसे मिल जाते थे. दूसरा मटका जब तक वो पहुंचता था ख़रीदार के पास तो उसका पानी आधा गिर चुका होता था उस क्रैक की वजह से, और उसको आधे पैसे मिलते थे. 2 साल तक ये सिलसिला चलता रहा. अब ये जो मटका था जो बिल्कुल ठीक था, द परफेक्ट पॉट, वॉज वेरी हैप्पी ऑन इट्स अकम्पलिशमेंट, बड़ा खुश था कि मैं ऊना चीता, मैं पूरा पानी लेके जाता हूँ. लेकिन जो दूसरा मटका था, द क्रैक्ड पॉट लिटरली, वो ज़रा शर्मिंदा था, परेशान था, और उसने जाके अपने उस फनियारे से कहा, वाटर बेरर से कहा, यार कि मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से आप इतना नुकसान करते हैं, आपको पैसे भी पूरे नहीं मिलते. तो उसने कहा कि ठहरो ठहरो ठहरो, उसने अपने मटके को रोका और कहा मेरी बात सुनो, तुमने देखा है कि जिस रास्ते से हम जाते हैं उस रास्ते की सिर्फ एक जानब पे फूल उगे हुए हैं, और वो फूल क्यों उगे हैं? क्योंकि मुझे तुम्हारी इस फ्लॉ का, मुझे तुम्हारे इस ऐब का 2 साल पहले पता था, तो मैंने उस रास्ते में फूलों के बीज डाल दिए.
अब हम जब भी वहाँ से गुजरते हैं तुम्हारा पानी जो गिरता है वो ज़ाया नहीं होता बल्कि उनकी वजह से वो फूल उगते हैं जिनको बेच के मैं अपनी आमदनी ही नहीं कमाता बल्कि वो रोज़ मेरे घर के टेबल की जीनत भी बनते हैं। सो अगर तुम्हारा ये ऐब जो तुम्हें लग रहा है ये ना होता तो ना वो फूल होते, ना मेरी जायद आमदनी होती और ना मेरे घर में रोज़ ये खूबसूरती आती जो तुम्हारी वजह से आती है। वी आर ऑल क्रैकपॉट्स, हम सब में कोई ना कोई फ्लॉ तो है। The idea is to focus on, yes, try to improve the flaw. कोशिश करें कि क्रैक भर जाए, उसके ऊपर एल्फी लगाएं, समथ बॉन्ड लगाएं, बेहतरी की कोशिश करें, लेकिन उस क्रैक की वजह से, उस ऐब की वजह से what is it that you bring to the table? So Nazia जो कहीं थी वो एक critical रिश्तेदार के होने की वजह से वो क्या चीज़ लेकर आता है टेबल पे? Let's focus on that. अगर चश्मा उस तरफ कर लेंगे, नज़र उस तरफ कर लेंगे तो तारीफ करना ज़रा ज़्यादा आसान होगी। या रूसा, आपको लगता है आपके अंदर कोई एक आध क्रैक है? क्रैक क्रैक है, क्रैक ही क्रैक है। बिल्कुल नहीं, कोई एक आधा होगा शायद, हाँ, जो हम सबके अंदर होता है। जो एक जो कोई परफेक्ट है तो दैट इज अल्लाह मियां, दैट इज व्हाट आई नो। कोई कह ही नहीं सकता कि अस्मा इज परफेक्ट और रूसा इज परफेक्ट, ये परफेक्ट है वो परफेक्ट है। जो इस वक्त अस्मा नजर आ रही है जो रूसा नजर आ रही है वो है भी नहीं। एब्सोल्युटली ठीक है ना। तो हर किसी के अंदर ये फ्लॉज है और हर किसी के अंदर बहुत सी अच्छाइयाँ भी हैं। तो अगेन फ्लॉज को भूलना नहीं है, बिल्कुल, और उनको भी एक्नॉलेज करना है। हम ब्रेक पे जाने से बात करते हैं एक्नॉलेजमेंट, यानी यू सेड द वर्ड अगेन। क्या फर्क है रूसा तारीफ करने में और एक्नॉलेज करने में? एक्नॉलेजमेंट का मतलब सीधे जो मुझे जो समझ में आता है वो ये कि मुझे सिर्फ बता दो कि हाँ रूसा यू एग्जिस्ट एंड यस यू डू ट्राई, वेदर एक्टिंग करना है, वेदर इज जस्ट गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एंड लीविंग द बेड, इवन दैट इज एन एफर्ट जो एट टाइम्स मदर्स के साथ और इवन वर्किंग वुमेन के साथ नहीं हो पाता। आपकी टाइट वर्किंग आवर्स है, सब कुछ है, उसमें अगर आप कोई छोटी भी चीज़ करें, कहते हैं छोटी चीज़ हर के हर बात की क्या तारीफ करें कि आज तुमने किसी को थप्पड़ नहीं मारा तो इसकी तारीफ करो, ये एक्नॉलेजमेंट करो, ये नहीं है। आप एक तो हर बंदा फिर एक्सट्रीम पे चला जाता है कि अच्छा ये रीज़न है, ये कुछ है। इट्स जस्ट कि जो आप छोटी छोटी एफर्ट्स करते हैं जिंदगी में, अगर वो कोई देख ले आप क्यों करते हैं, आप क्यों जाते हुए, अगर आप एक रास्ते से पत्थर हटा रहे हैं, ठीक है, वो उसमें से ये आपका रास्ता नहीं, आपने जो एक एफर्ट किए उससे किसी को फ़ायदा भी हो रहा है। अगर वो एफर्ट करते हुए अगर आपको कोई बता दे कि हाँ आपने ये एफर्ट किया और हमें ये फ़ायदा हुआ, वही बताने वाली बात, तो आप हर बार वो पत्थर तो रोज़ ही उठाएंगे लेकिन उस वक्त उठाने का फिर तरीका और होगा, उसकी मोटिवेशन और होगी, एंड द वे यू विल फील एंड द एनर्जी दैट इज गोइंग टू सराउंड यू इज गोइंग टू बी कंप्लीटली डिफरेंट। या बिकॉज़ इफ यू नो व्हाट आई एम सेइंग, एब्सोल्युटली, बिकॉज़ बहुत बार ये शिकवा नहीं कि तारीफ नहीं हो रही, बहुत बार ये शिकवा है कि यार मैं, मुझे बता तो दें कि आई एम बीइंग हर्ड, आपने सुन लिया मुझे, आई एम देयर, आई एग्जिस्ट। बच्चा भी तो यही करता है। ओह ये बड़ी बात है, हर इवन विद द किड, जब व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग तो ओके डोंट फ्रीक आउट उरुसा, सदियों से औरतें करती आ रही, डन, आई एम नॉट वो सदियों की इतनी सारी औरतें, इट इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड इफ आई एम डूइंग इट तो सिर्फ इतना जो तुम्हारा कहके बड़ी बात है कि तुम बेबी को लेके तुम शो पर आ रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो हाँ यार बड़ी बात है, बिल्कुल है। जितनी माएँ हैं वो अगर उठती हैं और सिर्फ अपने बच्चे को स्कूल के लिए तैयार भी करती हैं, जब वो पैम्पर चेंज करती हैं, वो बड़ी बात है, चाहे वो काम लाखों औरतें सदियों से करती हैं, वो लाखों औरतों ने भी पहली दफा ही किया। तो अगर हम सांस ले रहे हैं तो ये हम कोई कमाल नहीं कर रहे, ये नहीं है, हर सांस अगर जितनी इम्पोर्टेंट है उस तरह वो हर एक चीज आपके लिए उतनी इम्पोर्टेंट है, और अगर उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है फ्रॉम द पीपल दैट लव यू एंड हु रियली केयर, जो कहते हैं ना सेइंग आई लव यू जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ऑपोजिट जेंडर को, सेइंग आई लव यू टू योर मदर इज इम्पोर्टेंट। उस माँ से पूछो जिसको जाके आज एक छोटी सी सिर्फ गाल में पप्पी कर दोगे तो वो उसका दिन बन जाता है। वो जो बीवी है जिसको आपने जाके सिर्फ एक आपने रास्ते से वो टूटा फूटा गुलाब का फूल जो एक ऐसे रैप के अंदर टूटे टूटे पत्तियां होती हैं, वो जो बेचारी ने खाना बनाया हुआ कह दे कि बड़े मजे का कह दे, या आप मेरा शोर तो अगर एक रोटी एक्स्ट्रा खा ले तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, अच्छा है, हाँ। खाना अच्छा है। सो ये चीज बड़ी जरूरी है, एक्नॉलेज करना, यानी कि तस्लीम कर लेना, कह देना कि हाँ मैंने आपको सुन लिया है। लेकिन उसके बरक्स हम ये भी मैं कहना चाहूंगी कि जैसे रूसा से मैंने कहा ना कि वो इतने सारे लोगों ने आपको रिजेक्ट भी तो किया था, तो instantly her focus was, लेकिन नहीं मैं आज हूँ तो उनकी वजह से हूँ जिन्होंने accept किया था। अगर हम अपनी ज़िंदगी में, जो I'm sorry मैं बात काट दूँ, जो एक रिश्तेदार है जो आपके अंदर आपका वो एक भंड जो होता है, जो गलती जो निकालते हैं, अच्छा अगर है ना तो अगेन यू आर नॉट परफेक्ट, देयर मस्ट बी समथिंग दैट यू मिस्ड,
कोई ऐसी चीज होगी, हाँ उसे कहने का अंदाज ठीक नहीं है या उसका मोटिवेशन क्या है कहनी है. जब कोई तारीफ करता भी है तो अपने को भी पता होता है कि हमने क्या किया है. मुझे कोई कहते हैं ना कि आपने क्या काम किया, मैं मुझे पता है. लेकिन आप अकलमंद हैं क्योंकि कभी कभी ये चढ़ जाती है सर पे. लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि डोंट लेट योर सेल्फ बिकम अप्रिसिएशन हंग्री. मेरी तारीफ होगी, मेरी थपकी होगी तो मैं काम करूंगा, क्योंकि थपकी इनके काम में, इनका काम इटसेल्फ है. काम बोलता कोई और करता है तो और भी मजा आता है, लेकिन मेरा यहाँ पे होना, आपके साथ ये शो करना, ये मेरी थपकी है. आई एंजॉय डूइंग दिस. कोई एडिशनल थपकी मिले तो सौ बिस्मिल्ला, वाई नॉट, लेकिन उसका उस पर जिंदगी ख़त्म ना करें. जाते जाते मैं हम आपको आई वॉन्ट गिव यू, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं जिंदगी में तारीफ करना, आई वॉन्ट गिव यू अ टूल जिसको हम कहते हैं द थ्री टूल. और मैं जल्दी से उरूसा से पूछूंगी, उरूसा तीन लोग जिनको आप एक्नॉलेज, जिनकी आप तारीफ करना चाहती हूँ जल्दी से. मेरी अम्मी है, मेरे हस्बैंड हैं और मेरी सास है सबसे. शी इज अ सुपर वूमन. ओके, थ्री थिंग्स दैट यू आर, जिसके बारे में आप बहुत शुक्र गुजार हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र ये तीन चीजें मेरे पास हैं. साकिब है. ओके, मेरी अम्मी, मेरी फैमिली वही हो जाता है. हमजा और बच्चा है. और अब मैं चाहती हूँ कि तीन चैलेंजेस माजी के, तीन स्ट्रगल्स जो बड़े मुश्किल वक्त थे जिन्होंने आपको हीरा बना दिया. मम्मी का बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना, जिसकी वजह से मम्मी का ये कहना कि तुम घर के लिए इकलौती होगी, दुनिया के लिए नहीं. ओके, तो ये दिस इज वन, राइट? बाकी वेट स्ट्रगल, एवरी डे इट्स अ स्ट्रगल, बट दिस हैज मेड यू मच मोर स्ट्रॉन्गर एंड कॉन्फिडेंट एज वेल. एंड दैट्स इट. एंड माय एजुकेशन थोड़ी बहुत मेरी अपग्रेडिंग उसमें गुजारी. फैंटास्टिक. अगर आप कोशिश करना चाहते हैं कि आप ज्यादा ऐसे हो जाएं जो एक्नॉलेज करें, नहीं समझ नहीं, इससे बेहतर होना प्लीज. नहीं समझ आ रहा, वे टू स्टार्ट फ्रॉम टूल थ्री इज गोइंग टू हेल्प यू. कोशिश करें आज जैसे ही शो आप खत्म करें, टेलीविजन की स्क्रीन बंद करें. एंड आई एम गोइंग टू डू दिस. आई थिंक हमारे सारे कैमरामैन और MCR में बैठे हुए सारे दोस्त, हम सब ये करेंगे. तीन लोगों के पास जाएं जिनकी आप तारीफ करना चाहते हैं, जा नहीं सकते कॉल करें, कॉल नहीं कर सकते मैसेज करें, तारीफ करके बताएं किस चीज की तारीफ करें, सिर्फ उनके होने की नहीं, उनके किसी ना किसी अमल की. तीन बातों के बारे में सोचें, लिखना चाहें तो लिख लें जिनके ऊपर आप शदीद शुक्रगुजार हैं, और तीन ऐसी स्ट्रगल्स को अपने ज़हन में लाएं, चैलेंजेस जो बड़े मुश्किल, बड़े कठिन हालात थे लेकिन आज उन्होंने आपको हीरा बना दिया. आई होप द थ्री टूल हेल्प्स यू. थैंक यू वेरी मच. मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला, अगले साल में. उरूसा थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, रियली ग्रेटफुल. बहुत शुक्रिया. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.